हमीरपुर डिग्री कॉलेज में भी एडमिशन का दौर शुरू हो गया है। इस बार दाखिले से पहले छात्र छात्राओं की काउंसलिंग की जा रही है और उसके बाद मेरिट के आधार पर उन्हें दाखिला दिया जा रहा है। कई छात्र छात्राएं इस काउंसलिंग के सिस्टम से काफी खफा नजर आए। डिग्री कॉलेज हमीरपुर में दाखिले शुरू हो चुके हैं। हमीरपुर डिग्री कॉलेज में नए छात्र और छात्राएं दाखिले के लिए काफ़ी संख्या में आ रहे हैं, लेकिन इस बार दाखिले के लिए पहले काउंसलिंग की जा रही है और फिर मेरिट के आधार पर प्रवेश मिल रहा है। इस प्रक्रिया के कारण काफ़ी सारे छात्रों में रोष भी बना हुआ है। छात्रों का कहना है कि फॉर्म जमा होने की वजह से पहले ही काउंसलिंग की तिथि को बढ़ा दिया गया है, जिसकी वजह से छात्रों ने कम ही अप्लाई किया है। छात्रों का कहना है कि पहले जो डिग्री 3 साल में मिल जाती थी, वह रूसा इंप्लीमेंट होने की वजह से 4 साल में मिल रही है, जिसके कारण जॉब में उन्हें परेशानियां आ रही हैं। इसलिए आजकल ज़्यादातर छात्र प्रोफेशनल कॉलेजेस में ही दाखिला ले रहे हैं। बताना चाहता हूं कि इस बार जो राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान रूसा जो इम्प्लीमेंट हुआ है, उसमें कुछ खामियाँ थी, तो 120 सीट्स पर सब्जेक्ट पे थी, लेकिन इस बार उन सीटों को बढ़ा के 160 कर दिया गया है, जिससे कि बच्चों को काफ़ी लाभ पहुँचेगा। कि आपको पता है कि पहले बच्चे जिस टाइम बीटेक नया नया शुरू हुआ था, तो एक होड़ सी लग गई थी कि सभी बच्चे बीटेक करने जा रहे थे, लेकिन अब जॉब्स ना मिलने के कारण सभी को ये लगता है कि एकेडमिक की वैल्यू ज़्यादा है, इसलिए सभी एकेडमिक की तरफ ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। अगर जो कोई कॉलेज यहाँ पे 3 साल लगाता है, अब रूसा की इम्प्लीमेंटेशन की वजह से उसको वही डिग्री 4 साल में प्राप्त हो रही है, जिसकी वजह से उसको रोज़गार मिलने में भी थोड़ी परेशानी हो रही है, जिस वजह से टेक्निकल में ज़्यादा एडमिशन्स वगैरह बच्चे ले रहे हैं। के चैनल के लिए हमीरपुर से संजीव बॉबी की रिपोर्ट।